हाँ जी यस बेटा, टुडे वी विल रिवाइज अ चैप्टर मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस आ जाओ, फिर मेरे को बोलना पड़ेगा बात दोस्त। मोटर फिटनेस, देन पोस्चर, देन रोल ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, फोर मेन टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मोटर फिटनेस? मोटर डेवलपमेंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ मोटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? प्रोग्रेस। एनहांसमेंट। जस्ट नाउ ही सेइंग ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर, दैट इज द टाइम। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मीन्स मोटर डेवलपमेंट्स, ऑल द मूवमेंट ऑफ योर बॉडीज। ठीक है, जो आपकी बर्थ से लेके डेथ तक आपकी डेवलपमेंट चलती रहती है। ठीक है, बढ़ती है, स्टेबल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वन देर इज अ टॉपिक, नाउ दैट टॉपिक इज डिलीटेड इन योर सिलेबस, दैट इज एजिंग। उसमें एज एज ओल्ड एज क्या होती है? आफ्टर सम टाइम होता है ना, आपका स्टेबल काम हो गया, फिर डिक्लाइन डिक्रीज हो जाना, वो क्यों होता है? व्हाट इज अ नॉर्मल एज अगर आप पूरा फिजिकली फिट हो? कितनी एज होनी चाहिए अगर आप फिजिकली फिट है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हो, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपका आप हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस हो? वही पूछ रहा हूँ, कोई भी का 200 हो सकती है। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो, हाँ, वहां पे एक ऐसा जगह है, वहां पे 100 से ऊपर पता नहीं कितने, जापान, जैपनीज, देखा देखा है ना? वो क्या है, लाइफ स्टाइल आपका। अभी आपका, मैं कल कल एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसका डॉक्टर त्रेन का नाम सुना? सुना, कार्डियोलॉजिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन कंट्री। ठीक है, वो बोलते हैं अगर आपका खाना पीना, लाइफ स्टाइल, आप अपना चेकअप, जो वेन्स है आपकी, ठीक है, उसको क्लीन करो। उन्होंने एक डिफरेंट, उन्होंने एक बनाया सारा सिस्टम, तो 125 तक आदमी आराम से इस एज तक जा सकता है। इज 80, नियर अबाउट 80 के आसपास है वो, एंड वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं। अगर आपने एक व्हाट्सएप पे बहुत फेमस हुआ था वो डॉक्टर का, एक उन्होंने सेमिनार दिया था, ही इज आल्सो कार्डियोलॉजिस्ट। वो कहते हैं हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेन हो गई है जी, एडमिट हो जाओ। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ी देर में आपको अभी स्टंट डालना पड़ेगा, अभी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोल सकते, आप यहां से बाहर भी जाओगे कि नहीं। वो आदमी को इतना डरा देते हैं, उनको पता है 5-7 लाख। ठीक है, पेशेंट आपके पास आ गया, आपने क्या उसमें कर, आपने अभी देखा जो स्टंट अभी पीछे लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, पूरा इसका एक, जैसे हम फॉरेन से आते हैं पता नहीं 30 या 35 डॉलर का, और यहाँ पे रेट देखो कितना। उन्होंने मेडिसिन पे थोड़ा चेक्स लगाया था, अभी ये जो डॉक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा हर चीज में, आप इंजेक्शन अभी देखा आपने कोरोना टाइम में, वो इंजेक्शन ही मार्केट में मिलने बंद हो गए, कहाँ पे उनका रेट था और कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट जो, वो मिस्टर तेरेन ट्रेन ट्रेन उनका नाम है, वो उस आपका दिल्ली में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है उनकी, अब है, हाँ,
हाँ मैं नाम उसका बता। नहीं नहीं बेटा, वो उनकी अपनी बाई एयर सर्विस है एम्बुलेंस की, ठीक है? अगर किसी के पास पैसे हैं, कहीं भी कोई एमरजेंसी हो, आप कॉल करो, उनका हेलीकॉप्टर आपको पिक करेगा। आपने देखा होगा नक्सली अटैक हुआ था, तो वहां पे एक हमारे दो तीन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने नक्सली वहां पे गए थे, वहां पे उनपे माइन से हो गया था अटैक, उनको पिक किया उन्होंने सीधा, क्या मुंह निकल रहा है नाम है इसका, और वो उनको सेव कर दिया उन्होंने। वो फर्स्ट वो है जहाँ पे आपको बाई एयर फैसिलिटीज है एम्बुलेंस की। तो वो उन्होंने उस आर्टिकल में सारा लिखा, क्या होता है मोस्टली जो वेन्स है आपकी, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है कैलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, ठीक है? उन्होंने पूरा उसमें डायग्राम से सारा उसको उन्होंने बताया कि वो होल है, बंद होने शुरू हो गए, उसमें आपका लिक्विड सारा जमना शुरू हो गया, आफ्टर ऑल उससे क्या होगा, हार्ट अटैक, अगर हम उसको क्लीन करते रहते हैं, क्लीन करते हैं, क्लीन आपने अपने खाने से पीने से, ठीक है ना? आपका जंक फूड नहीं होना चाहिए, आपका खाना अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फिर एक्सरसाइज प्लस, उसके बाद उन्होंने कोई मेडिसिन बोली है जिसको, जैसे आप एक गाड़ियों को हम, तो यह तू आगे बैठ जा, क्यों पीछे देख के बैठे जरा, जैसे आप वॉश करते हैं ना, क्लीन करते हो अपनी गाड़ियों को कहते हैं, वैसे ही आपने अपनी बॉडी को क्लीन करना, सारे मेथड दिए उन्होंने, बहुत अच्छा आर्टिकल है, कभी आप उस पर सर्च करना। तो सेम वही वही आपका, आपने देखा होगा पुराने लोग क्यों 80-90+ सर्वाइव करते, दैट इज योर मोटर डेवलपमेंट, मोटर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप लोग देखो सिंपल है, अगर आपने अपनी मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज, मैंने आपको बताया क्या होता है मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज, व्हाई योर राइट हैंड इज स्ट्रॉन्ग, सिंपल है, जिस चीज को आप ज्यादा यूज करोगे स्ट्रांग होगी। आप बच्चों को लेफ्ट से करो उसको काम, उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग हो जाएगा। द मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज, आपके किसी किसी को भी अगर प्लस्टर चढ़ता है, वो क्या बोलते हैं, फिंगर को हिलाते रहो, पैर को हिलाते रहो, अदरवाइज क्या होता है 4-6 वीक के बाद अगर आप कुछ मूवमेंट नहीं करोगे तो आपसे पेन नहीं पकड़ा जाएगा। तो सारे मसल्स क्या होते हैं, महीने एक महीने के बाद स्ट्रेंथनिंग खत्म, इसीलिए बोलते हैं ग्रिप ग्रिपर ले जाओ, ग्रिपर को ग्रिपिंग करते रहना है, ठीक है? तो ये मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज है। सेम अगर आपने बॉडी को जितना यूज करोगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। सम ऑफ द पर्सन दे आर डूइंग आप फिजिकल एक्टिविटी और ये जो ट्रेनिंग में है वो 50-60-70 तक करते हैं, ठीक है? जिस एज में आपसे उठाया नहीं जाता है बाहर, दे आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। तो ये मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज है, जितना आप यूज करोगे अपनी बॉडी को उतना आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपकी लाइफ, ठीक है? लाइफ स्टाइल मेन है। अब हम लोगों ने गाड़ियों में बैठना, एसी में, अब वो जो बुजुर्ग थे वो क्या, वॉकिंग, सारा काम पूरा शहर घूम के चल के आ जाना, फिर साइकिल आई, साइकिल यूज हो गया, ठीक है? जो हमारे फादर है या फोर फादर है, उनको से कभी आपने पूछा या देखा होगा या बैठे होंगे, वो आपको बोलेंगे हम यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ पैदल आ गए, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है? कैलोरीज जब आप बर्न करोगे, आप ये देखा होगा बहुत से ऐसे, मतलब यहाँ पे लोग हैं जिनको क्या स्वेटिंग एक बूंद नहीं होती है पूरे समर में, घर से एसी से उठे, गाड़ी एसी स्टार्ट है, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में बैठे, एसी है, घर पे आ गए एसी सो गए, जितने पोज आपके हैं ना, जब तक इसमें से आपके ये निकलेगा नहीं ना स्वेटिंग, सारा गंदा चीज बाहर। हाँ आप जितने भी देखना जो आते हैं ना इंग्लैंड से जो कोल्ड, उससे उनके उनके ये बंद हो जाते हैं होल, क्यों, पसीना ही नहीं आना है, ठंडे इलाके माइनस माइनस वाले हैं वहां पे ऊपर से करके। तो ये दिस इज द मेन रीजन, अगर आपको स्वेटिंग ही नहीं होगी है दैट विल बी हार्मफुल। आप बाहर धूप में नहीं खड़ोगे आप, ठीक है? आपको पता नेचुरल क्या है, विटामिन डी, सन बाथ, आपने देखे हो ना जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज के, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही थोड़ा ना पागल है कि सोए होते हैं वहां पे बीचेस में, ठीक है? वहां पे धूप बड़ी कम होती है, निकलती है तो पूरा सन बाथ अपना करते हैं वो, अपना पूरा तेल मालिश लगा के अपने 2-2, 4-4 घंटे सोए होते हैं, ये नेचुरल है। आपको वैसे भी आदमी को 15-20 मिनट बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है? जब तक आप नहीं बैठोगे, जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल होती है, ठीक
वो अपना 10-20 साल आगे देख के हम यहाँ पे गाड़ियों पे आ गए, वो साइकिल पे आ गए। यूरोपियन कंट्री आप चल जाओ, वो सब अब साइकिल पे शुरू हो गए। गाड़ियां गुड़ियां अपने ठीक है रखी है, वो अपने जब जाना है कहीं तो ठीक है, अदरवाइज साइकिल्स का ट्रेंड फिर दोबारा शुरू हो गया। अभी आपने लॉकडाउन में इंडिया में भी बहुत हुआ है, मैक्सिमम जो काम हुआ है वो साइकिल वालों का हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कहते हैं हमने जिंदगी में इतनी साइकिल नहीं बेची जो हमने ये 1.5-2 साल में बेच दी। एक लड़का यहीं से पढ़ के गया एक दिन, वहां रस्ते में उसकी शॉप है, वहां साइकिल की बहुत बड़ी है, तो वो खुद बोल रहा था, कहते हैं सर कहते इतनी साइकिल बेच दी है कि कोई हिसाब ही नहीं, लोगों ने इतनी साइकिल परचेज की है, जॉगर्स परचेज की है। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है आपका, जितनी भी आपकी मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारा बेसिक रनिंग वॉकिंग ठीक है जंपिंग, ये मेन स्किल्स आती हैं। जितनी आप बॉडी की मूवमेंट करते हैं, ये मेजर मूवमेंट आ गई है, जो हम फिंगर से काम कर रहे हैं ठीक है, लेग से कर रहे हैं, जॉ से कर रहे हैं, आई से कर रहे हैं, वो फाइन मोटर होगी ठीक है, जो आपके जहां पे छोटे मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट इज अ फाइन मोटर। जो आपका ग्रॉस है दैट इज अ मेजर, जहां आपका जंपिंग वॉकिंग कर रहे हैं वहां आपका मेन मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मोटर डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द बर्थ। अब कईयों को हमने देखा क्या करते हैं वो, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है बेटा, इस चैप्टर में आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट स्टेजेस आपको बताई है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी ठीक है, फिर मिडल चाइल्डहुड, फिर आपका लेटर चाइल्डहुड है, देन एडोलसेंस है, देन एडल्ट चाइल्डहुड है। ये कई बुक में उन्होंने थोड़ा डिफरेंस एज का भी लिख दिया, जैसे इन्फेंसी है अर्ली चाइल्डहुड 0 से 2 ईयर्स, फिर अगले नेक्स्ट में उन्होंने लिख दिया 2 से 7, किसी बुक में आपको मिलेगा 3 to 8। वो बुक आपने कौन सी बुक ली है सबने, वैसे मोस्टली एसपी की है ना, वो एक बार मैं आपका देख लूंगा नेक्स्ट उसमें क्लास में भी, और एक आपको मैं बना के सारा दे दूंगा कि जो बेस्ट है आपने वो लिखना है। एपीओ सब में मैं डिफरेंस देख रहा था एक दिन करके कंपेयर, वो एक एक का उन्होंने एज ऊपर निकाल दी भी, तो उसमें आपको डिफरेंट क्या, उन्होंने छोटे होते बच्चा क्या सबसे पहले सीखता है, चलना, सबसे पहले मूवमेंट क्या होगी मोटर स्किल की, हाँ हाथों की, फिर साइडवेज पासा पलटते हैं जैसे बच्चे, गिरे हो तुम भी बेड से, हर बच्चा गिरता है, बहुत रेयर होगा जो बेड से या कहीं उसको रखा नहीं गिरेगा, जब वो पासा पलटना शुरू हो गए ठीक है, फिर उसके बाद क्रोलिंग ठीक है, फिर अपने आप चलेंगे, इसको हम क्रोलिंग बोलते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रिल फॉर आर्मी पर्सन्स, वो गन को लेके पिट्ठू लेके ऐसे एल्बोज पे ठीक है, आपका नीज पे दे स्टार्ट क्रोलिंग। अगर आपको कहीं नीचे से जाना है, ऊपर से आपको जज ना कोई करे, ग्राउंड से जाना हो, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रिल क्रोलिंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सहारा लेके खड़े होना है, फिर उसको खड़ा करते हैं हम बच्चे को ठीक है, वो अपना स्टेबिलिटी, फिर अपना विदाउट सहारे के खड़ा होना शुरू किया, देन वॉकिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आप उसको, वो फिर अपने आप ही करेगा बच्चा, भागेगा दौड़ेगा गिरेगा ऊपर जंप करेगा, वो फिर वो उसकी अपनी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी जब उसने अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। तो ये डिफरेंट स्टेजेस आपको इसमें दी है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, मिडल में क्या होता है, लेटर में क्या होता है, फिर देन एडोलसेंस, ये इसमें बेसिक्स आपको आ गया। टाइप्स आपकी होगी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर होगी। अब इसमें मेन चीज आता है विच आर द फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी मोटर स्किल्स को, वो कौन कौन से होते हैं, आपकी जो डेवलपमेंट है, जो मोटर स्किल्स है, किस पे डिपेंड करती है, विच फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो। हाँ बोलो बोलो, जो जो आप कर सकते हो, ये कोई भी बच्चा नहीं आता है, सारे क्या ट्यूशन पे लगे हैं, क्या करते हैं सब, ना स्कूल आते आ रहे हैं। विच फैक्टर अफेक्ट्स योर मोटर स्किल, मोटर डेवलपमेंट। एज, हाँ न्यूट्रिशन,
दो तीन चीजें हर चीज में आपको आएगी, वन इज हेरिडिटी, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, ये कोई भी अगर आप फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड आप काम करोगे ये तो बेसिक्स है। हेरिडिटी का बहुत ज्यादा रोल है, आपकी हाइट, आपका सेहत, जिसको हम बोलते हैं ओबेसी कई होते हैं भाई, आपका फैमिली में होता है, ठीक है, कईयों के घर में आपने देखा होगा बहुत मोटे होते हैं, वो सारे सारे आगे वो जीन में चला, हेरिडिटिकली काम चलता है। फिर कुछ एक डिजीजेज हैं वो भी हेरिडिटिकली चलती है, ठीक है, वो एक को होगी, दूसरे को नहीं है तो तीसरे को फैमिली में होगी, ठीक है, ये हेरिडिटी का आपका बहुत रोल है। आप घर पे किसी के हाइट अच्छी है सबकी तो नेचुरली आगे बच्चा छोटा नहीं होगा, ये 100%, ठीक है, तो ये आपका हेरिडिटी का बहुत ज्यादा रोल है। आपको मैंने आगे भी बताया, इफ यू आर गोइंग फॉर बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, जो अच्छे सेंटर्स हैं, जो अच्छे कोचेज हैं, वो पहले आपके पेरेंट्स की हाइट पूछेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट पूछेंगे। ये साई में जब हम टैलेंट रिसर्च एक आपका है उसमें बच्चे का सारा वो डाटा फीड करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, जितने मर्जी अच्छे हो, आपकी हाइट 5 फीट 5 इंचीज है, क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ छोटे लेवल पे आप जो मर्जी कर लो, जंप आपका बहुत है जी, आप मार रहे हो करो, जब वहां 6+ वाले आते हैं तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं और दो दो तीन तीन ब्लॉक करते हैं, क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये गेम ऐसी है यहाँ पे आपको हाइट की 6 तो मिनिमम है वो। इफ यू हैव सीन द यूएसए, क्यूबा, इनकी जो वुमेन की टीम देखना जरा, वो लड़कियां 6+ हैं, गर्ल्स वुमेन की टीम, बाकी तो आपने देखा होगा वो सर्विस भी आजकल टेनिस सर्विस चलती है, वो बॉल पकड़ के पहले जंप करके सर्विस करते हैं, वो सर्विस ही है जस्ट लाइक ए एस, ऐसे फ्लोट होके आएगी घूमती हुई, आप ऐसे आ रहे हो ऐसे यूं निकल गई। वॉलीबॉल का तो देखना मजा आ जाता है, मैच देखना, हाँ वो देखो, मतलब सिर्फ उसमें एक बंदा होगा जो आपका नॉर्मल हाइट का होगा, दैट इज लिब्रो, वो छोटा भी नहीं होगा बहुत, बट वो दैट पर्सन इज ए वेरी वेरी डिफेंसिव, उसने बस खड़े रहना, उसका उसकी उसकी जो डाइविंग होती है ना, जिसको मुझे डिग पास करना है, रोल करना है, उसने बॉल को कहीं से भी उठा देना, इतनी तेज मैच आती है। हाँ उसने वो मतलब उसकी मूवमेंट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिसका डिफेंस अच्छा होता है, फॉर योर अटैक योर डिफेंस शुड बी वेरी गुड, एक सिंपल है ये, फॉर अटैक योर डिफेंस शुड बी वेरी गुड, अगर आपको डिफेंस करना नहीं आएगा आप अटैक नहीं कर सकते हो अच्छे लेवल पे, तो इसीलिए हम पहले डिफेंस कराना सिखाते हैं। अब आप कोई भी गेम खेलोगे, जब तक आप उसको रोकना नहीं आएगा ओपोनेंट को, आप बॉक्सिंग खेल लो, कोई गेम खेल लो, वहां पे वो गार्ड ले लेते हैं ना, देखा, जब क्या करते हैं अपने, पंच मारा पॉइंट ले लिया, उसके बाद दे गार्ड दे फेस, मारते रहो उसके पॉइंट कुछ नहीं मिलेंगे, ग्लव से मारोगे यहाँ मारोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपने कोई गेम खेल लिया, अगला अटैक कर रहा है, आपका डिफेंस अच्छा है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, आपकी प्लेसमेंट अच्छी है, मारने में कितना जोर लग रहा है और रोकने वाला अपना ही रोक रहा है आराम से, और रोक के वो आपको पता है डबल स्पीड से वापिस जाएगी। आपको अगर उसको डिफेंस करना, आपका डिफेंस अच्छा है नेचुरली, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जो जितनी तेज पावर से एक मार रहे हो आप, अगले ने बैट रखा चलेगी, बैडमिंटन है, एक स्मैश मार रहा चल इधर, दूसरा मार रहा चल इधर, प्लेसमेंट कितनी मारोगे आप, तो डिफेंस फॉर योर अटैक योर डिफेंस शुड बी वेरी गुड, डिफेंस आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, हेरिडिटी होगी, न्यूट्रिशन हो गया, और क्या हो गया, और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक्सरसाइजेस को आप क्या बोलोगे, फिजिकल ट्रेनिंग, और सबसे ज्यादा जो आपका डेवलपमेंट बच्चों को सबसे जरूरी क्या होता है, कितने घंटे सोना चाहिए बच्चे को, बच्चों को 800 नॉर्मल के लिए, देखा ना छोटे बच्चे डॉक्टर जब जाते हैं कितने घंटे से होता है जी, हाँ जी इतने घंटे से होता है, 12 घंटे 20 घंटे, जितना सोएगा स्लीप
ओ अब तो ऐसा है ना, जैसे जैसे बड़े होंगे फिर और सिस्टम शुरू हो जाता है। अभी मैंने आपको चार चीजें बताई थी, एक उसमें से पोस्चर बताया था, बॉडी पोस्चर, इम्यूनाइजेशन आपका, जेंडर फीमेल मेल का अलग होगा, ठीक है। पोस्चर का मेन रोल है आपका, बॉडी पोस्चर। व्हाट इज पोस्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्चर? नहीं, पोस्चर किसको बोलते हैं? क्या हो गया है? नेचुरली अगर नींद पूरी नहीं होगी, आप सुबह आपको बॉडी ऐसे लगी थके हैं, आपको फटीग टायर्डनेस फील करोगे, आप वो फ्रेश, वो जो आप रूटीन में काम करोगे वो कर ही नहीं सकते हो। जब तक मसल रिलैक्स नहीं होंगे, वो दोबारा आपका वो काम नहीं आप कर सकते हो। तो इसमें पोस्चर का मेन रोल है। पोस्चर होता है द वे यू आर सीटिंग एंड स्टैंडिंग, ठीक है। तो उसमें फिर सीटिंग कैसी होनी चाहिए, स्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, वॉकिंग कैसी होनी चाहिए, पोस्चर का बहुत रोल है। हम जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी इसको चलाओ जी, खड़ा कर दो छोटे बच्चों को, कहीं दादी जी आ गए, दादाजी आ गए, तो बच्चा चलता नहीं, इसको चलाओ। आपने उसको जल्दी चलाना शुरू कर दिया, क्या होगा? बस वेट ज्यादा पड़ गया लेग्स पे, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को बहुत ज्यादा टाइट आप क्लोज बनाते हैं, उससे क्या होगा, शोल्डर राउंड हो जाएंगे बहुत टाइट, कहीं देखा ना आप पाए, तो फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं। आपने हाई हील पाई हो वुमेन में, आपका फुट में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सारी चीजें, आप वेट उठा रहे हो घर पे, आपको पता नहीं है कि वेट उठा दिया, दूर से बैक पेन होगी। ये लेडीज को पता नहीं होता है, बाल्टी उठाते हैं ना, बाल्टी बस आपने थोड़ी सी भी ऐसी दूर से बकेट उठा ली है, आपको पीछे बैक पेन में सीधा स्ट्रेन पड़ जाना। तो ऑलवेज व्हेन एवर वी हैव टू पिक एनी ऑब्स्टिकल, क्लोज टू योर बॉडी, क्लोज टू योर बॉडी, सिंपल है फॉर्मूला। ये चीजें, बेसिक चीजें पता होगी तभी आप किसी को बता सकते हो ना। तो हेरिडिटी आपका एनवायरमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पोस्चर हो गया, मेल फीमेल जेंडर हो गया, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको इफेक्ट करते हैं, आपकी जो मोटर डेवलपमेंट है, खाना पीना, स्लीप, रहना उठना सारा, ठीक है। आपका रोज प्रैक्टिस करना, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका वर्कआउट डेली का क्या है, और यही चीजें बाद में आपको 40-50 के बाद पता चलती हैं। और जो आपका सारा सिस्टम अब चल रहा है ना, ये आधे बच्चे तो देखना 40 के बाद, अभी कईयों को हम देखते हैं जो आपके मल्टीनेशनल में लगे हैं ना, 10-12 घंटे वर्क फ्रॉम होम, वो फिंगर्स ऐसे से, ये स्पॉन्डेलाइटिस, ये 90% बच्चों को हो गया। 10-12 घंटे आप बैठे हो कंप्यूटर के आगे, कंपनी वाले थोड़ा ना छोड़ते हो आपको, घर पे पैसे दे रहे हैं तो पूरा काम लेते हैं आपसे। इफ यू आर हाईली पेड तो आपको पूरा 10-12 घंटे, 10 घंटे उन्होंने काम लेना है आपसे। आप कितने ऑफिस में बैठे हैं ना, जो उनको पूछो जरा, उनका फिंगर्स में ऐसा हो गया कि जैसे स्ट्रेंथ ही नहीं। और ये स्पॉन्डेलाइटिस, बैक पेन, मतलब चेयर पे बैठ नहीं सकते, ये मेजर प्रॉब्लम है। और ये पता कब लगती है, जब आप 40-50 के पास जाओगे, फिर जब सीवियर काम शुरू हो जाएगा, फिर आप ना बैठ सकोगे ना उठ सकोगे। ऐमी थोड़ा लोग लगे हैं जी फिटनेस में, ये जिम क्लब खुले हैं, किस लिए खुले हैं? पर वो लोग शौकिया हैं। आप ये काम अपना विदाउट जिम भी कर सकते हो, घर पे अपने लाइट, अपने डंबल्स रखो, बेंच प्रेस का सामान रखो, नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हो, पुशअप्स करो आप, ठीक है ना। और हमको तो NIS में उन्होंने एक GTMT आपका सब्जेक्ट है, उसमें वो ये बताते हैं कि सपोज यू अपॉइंटेड एज ए कोच इन रिमोट एरिया, हमको कहीं रिमोट एरिया में कोचिंग सेंटर मिल गया, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी मतलब अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, कोई आपको कोई साधन नहीं है, तो आप कैसे बच्चों को ट्रेन करोगे? तो उसमें हमको सारी एक्सरसाइज विद पार्टनर बता देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जिम नहीं है, आपने पार्टनर ले लेने, पार्टनर के साथ पार्टनर की एक्सरसाइज कराओ, दैट इज वेट ट्रेनिंग, ठीक है। पुशअप्स करने, पुलअप्स करने, जो भी करना सब आप पार्टनर के साथ कर सकते हो,
हाफ स्क्वाट लगाना, उसको पीठ पे बिठाओ, हाफ स्क्वाट करा लो। पुशअप्स करना, उसको सीधा अपने ऊपर लेटा के ऐसे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज है वो सारी, हमको वो करवाते थे वहां पे। बहुत से ऐसे रिमोट एरिया है जहाँ पे कोचिज है, वहां को आपको कोई सामान नहीं मिलता, आप क्या करोगे, कैसे करो, आपके पास एक बॉल है, आपके पास बैट एक ही है, ठीक है, आपके पास टेबल एक ही है, इतने बच्चों को खिलाना कैसे खिलाओगे? तो दैट इज अपॉन योर प्लानिंग। अगर आपको कुछ आएगा तभी आप कराओगे ना, अरे आपको पता ही कुछ नहीं है तो आप चले गए हो, तो आप बैठे हैं तो बच्चे ही बैठे। आप फिजिकल फिटनेस के कितनी एक्सरसाइजेज है, आप जो मर्जी करा लो, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास 100 बच्चे होते हैं, आप सर्कल ट्रेनिंग मेथड करा लो। यू नो व्हाट इज सर्कल ट्रेनिंग मेथड? सर्कल ट्रेनिंग मेथड, अब आपको वो सिलेबस से डिलीट कर दिया उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग। उसमें क्या करते हैं, देखो सिंपल है, ये आपका एक सर्कल बन गया है, आपने बच्चों को सर्कल पे खड़ा कर दिए, ठीक है, आपके पास सपोज 50 ट्रेनीज हैं, कितने आपके पास 50, तो आपने क्या किया 10 यहाँ पे सर्कल बना दिए, जैसे 1 यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके सर्कट होते हैं। सर्कट मीन्स जो आपका एक सर्कट बना होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, ये सर्कट ट्रेनिंग मेथड ही आपको डिलीट हो गया है। ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टेड और बहुत अच्छा आपको एक मेथड है ट्रेनिंग का। इसको आपने क्या किया जी, यहाँ पे हमने इसको जॉगिंग से शुरू करा दिया, वार्म अप। सिंपल एक इसमें चीज आपने याद रखनी है कि जो आपने यहाँ पे मसल इन्वॉल्व किया वो नेक्स्ट टाइम में नहीं होना चाहिए। इसका जो प्रिंसिपल है, व्हाइल यू आर मेकिंग दिस सर्कल ट्रेनिंग मेथड, वन मसल जो आपने मसल यूज किया उस एक्टिविटी में, उसको आपने सेकंड पे रिपीट नहीं करना, उससे क्या होगा, अगर आप रिपीट करते हो व्हाट हैपन? सिंपल है, करते हो ना डिफरेंट एक्सरसाइज, फर्स्ट सेकंड थे लोअर वाली, दूसरे दिन अपर वाली करनी है, पता है ना, तो बोर सो गए हो, सोता नहीं क्या? हाँ, तो ये हमने ध्यान रखना है। सेकंड पे आपको वो एक्सरसाइज अगर हमने या जॉगिंग कर दी है, आगे आप क्या कर लो, अल्टरनेटिव टो टच, जो आपको मैंने 20 एक्सरसाइज लिखाई थी ना, वो इसीलिए, पर ये आपको अब डिलीट हो गया, ये यहाँ पे यूज होती है। और ये सब लोग मैक्सिमम वो ही बच्चा इसको कर सकता है जिसको उसकी नॉलेज हो, जिसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स का पता हो। अदरवाइज मैक्सिमम ये 2-3 इयर्स पहले ये सर्कल ट्रेनिंग बनाने आया था बोर्ड में, तो मैक्सिमम बच्चों का रॉन्ग था। जब आपको अपनी बॉडी का ही नहीं पता, एक्सरसाइज का नहीं पता, नेम नहीं पता है, तो आप सर्कल ये बना ही नहीं सकते, तो सब ने अपने सीधा कर दिया। तो इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 एक्सरसाइज दे दिए, 5 स्टूडेंट इन ईच स्टेशन, 50 हो गए, 100 आपके पास आ गए, तो यहाँ पे कितने कर दो, 10 कर दो ईच स्टेशन पे, एंड यू कैन वॉच। सबसे बड़ा क्या है इसमें बेनिफिट आपको, आप यहाँ बैठे ये सर्किट है, आपने यहाँ पे 5, 6, 6, 50, 60, 70 जितने बच्चे हैं आपने सर्किट में रख दिए, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, स्टॉप वॉच स्टार्ट, 30 सेकंड में वो एक्सरसाइज उन्होंने एक स्टेशन पे करनी है, 30 सेकंड स्टॉप, दे मूव टू नेक्स्ट स्टेशन, स्टार्ट 30 सेकंड, वाइल कंप्लीटिंग ऑल दिस, ये आपने सारा यहाँ से शुरू करके कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, वन व्हाट वन, हम